रामटेक भगवान श्री राम द्वारा पवित्र भूमि है। यह चुनाव देश के विकास के लिए है, प्रगति के लिए है और नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। यह वह चुनाव है जो इस देश के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाएगा, न कि आम कार्यकर्ता राजू पारवे जो रामटेक लोकसभा के उम्मीदवार है। इसलिए जागरूक रहे और महागठबंधन को जिताए। राजू पारवे के धनुष के लिए वोट मोदी के लिए वोट और महागठबंधन के लिए वोट है। शिवसेना प्रमुख नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामटेक के विकास के लिए उनका हाथ मजबूत करने की अपील की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रामटेक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार रात सावनेर के इंदरगढ़ के दुर्गा माता मंदिर और नेहरू मार्केट बाजार चौक में महायुति की महाअभियान सभा में बोल रही थी। इस अवसर पर पूर्व सांसद कृपाल तुमानी, रामटेक विधायक आशीष जायसवाल, रामटेक लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना उम्मीदवार राजू पारवे, पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप गवाड़े, पूर्व मंत्री सुबोध मोहिती, भाजपा महाराष्ट्र क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर राजू पोद्दार, नागपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुधाकर कोड़े, पूर्व विधायक आशीष देशमुख, वरिष्ठ भाजपा नेता चरण सिंह ठाकुर, शिवसेना पूर्व विदर्भ संगठक किरण पांडव, शिवसेना जिला अध्यक्ष संदीप इटकिलवार आदि नेता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रचार सभा भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्मरणीय, पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन एकता मंच, राष्ट्रपति के साथ साथ सभी घटक दलों के नेता, सदस्य और पदाधिकारी, बूथ प्रमुख, महायोद्धा, सरपंच, उप सरपंच, नगर अध्यक्ष, नगर बड़ी संख्या में सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित थे। आगे बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति का घोषणा पत्र देश में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। 70 साल से ऊपर के नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का निर्णय देश के स्वास्थ्य को और भी मजबूत बनाएगा। देश के 80 करोड़ गरीबों को फिलहाल केंद्र की ओर से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इस योजना को अगले 5 वर्षों में जारी रखा जाएगा और इसके साथ ही आने वाले वर्षों में रेलवे, सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास और भी तेज गति से किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि पिछले 10 साल में मोदी के नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह चुनाव देश को महाशक्ति तक ले जाने वाला है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। महागठबंधन देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और देश के विकास को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सरकार घर बैठकर फेसबुक लाइव करती थी, अब सरकार आमने सामने बैठकर काम करी है। इसलिए मोदी जी को फिर से देश की चाबी देने के लिए हम राज्य में अब की बार 400 पार और अब की बार 45 पार सीटें हासिल करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर ये भी कहा कि राज्य में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें राजू पारवे भी शामिल होने चाहिए जो रामटेक से आपके सांसद होंगे। रामटेक भगवान श्री राम द्वारा पवित्र भूमि है। राजू पारवे एक कामकाजी व्यक्तित्व है, इसलिए रामटेक लोकसभा चुनाव में महायुति ने शिवसेना के राजू पारवे को उम्मीदवार बनाया है। मतदान केंद्र पर सबसे पहले राजू पारवे का तीर धनुष चिन्ह वाला बटन है। सभी मतदाता 19 अप्रैल 2024 को मतदान कर पारवे को अवश्य चुने। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने धनुष बान हार रामा सा कहकर सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर महायुति के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष देखने को मिला। इस अवसर पर नरखेड़ एवं सावनेर क्षेत्र के सभी समाजजनों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्होंने राजू पारवे को रामटेक लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए शुभकामनाएं भी दी। विभिन्न समुदाय के भाइयों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।